नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न हो या किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी आप मुझसे उम्मीद करते हैं तो कमेंट करके मुझे भेजिए, मैं आने वाले वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज मैं लंबेगो के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। लंबेगो को हिंदी में निचले हिस्से का कमर दर्द और कभी कभी अंग्रेजी में इसे लो बैकेक के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर कमर के जो निचला वाला हिस्सा है, लोअर जो पोर्शन है कमर का, उधर से लेकर के हिप जॉइंट और उसके साथ साथ पैरों तक में भी इस दर्द को महसूस किया जाता है। आमतौर पर अधिकांश महिलाएं या पुरुष भी आकर के कंप्लेन करते हैं कि मेरे कमर में दर्द है और लोअर कमर में ज़्यादा दर्द महसूस किया जाता है या रुक रुक के दर्द होता है। तो इन बीमारियों के कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों के बारे में मैं जानकारी शेयर करूँगा। उसमें क्या है, कई बार हमारे कमर का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ करने पर भी ऐसा होता है। कई बार क्या, हमने कोई अचानक ज़्यादा भारी सामान उठा लिया है तब भी ऐसा होता है। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी के वजह से भी ऐसा होता है। कई बार स्पाइनल आर्थराइटिस या स्पॉन्डुलाइसिस के वजह से भी ऐसा होता है। कई बार लंबो सैक्रल स्पाइन के प्रॉब्लम के वजह से भी, या हार्निएटेड डिस्क जिसे स्लिप डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, आए दिनों आप सुनते होंगे, उसके वजह से भी ऐसा होता है। कई बार साइटिका जो ग्रीधसी नाड़ी है जो हिप जॉइंट से लेकर के एड़ी तक जो जाती है, उस जो नर्व में साइटिक नर्व में जो है ब्लॉकेज आने पर भी कई बार कमर दर्द को महसूस किया जाता है। गुर्दे में अगर पथरी हो तब भी ऐसा दर्द महसूस होता है। कई बार फाइब्रोमायल्जिया नामक बीमारी के वजह से भी कई बार कमर में दर्द होता है। तो आमतौर पे कमर दर्द लगभग हर परिवार में ही दो एक सदस्यों को देखा गया है। तो इसको आप पेन किलर द्वारा ना मैनेज करते हुए कुछ लाइफ स्टाइल सुधार को अगर प्रयोग करेंगे तो बेहतर है कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल पाएगा। तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने वेट को अच्छे से मेंटेन कीजिए, ओवर वेट ना बनने पाए। तो आपके डाइट में वेट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइज करने से आपको कमर के जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, वार्म अप होंगे, और इस दर्द को बिना पेन किलर या स्टेरॉयड के इंजेक्शन के बिना पर भी इसको आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आप पेन किलर और स्टेरॉयड से काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट और किडनी वगैरह में परमानेंट जो है डैमेज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। बहुत लंबे समय तक बैठे मत रहिए, थोड़ा ब्रेकअप लीजिए, उठ करके थोड़ा वॉक जरूर कर लीजिए। अगर आप बैठने वाला ही आपका जॉब है तो सिटिंग पोजीशन जो अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा हार्डी चेयर हो। ज़्यादा लंबे समय तक अगर बैठे रहना है तो झुक के ना बैठिए या बैंड होकर के ना बैठे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसको भी कमर का दर्द रहता है वो आमतौर पे क्या है, नॉर्मल गद्दे वाले बिस्तर में सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हार्ड बेड का प्रयोग कीजिए। झुक करके काम लंबे समय तक ना करने की कोशिश कीजिए। नींद प्रॉपरली लीजिए लेकिन हार्ड बेड में ही सोने की कोशिश कीजिए। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। और अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड या किसी भी तरह की तनाव वाली कोई समस्या है तो बेहतर है कि आप जो है उसको चिकित्सक के पास जाकर के उसका समाधान जरूर लीजिए। अपने से पेन किलर से बचने की कोशिश कीजिए। कई प्रकार की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है, कई तरह की मसाज थेरेपी है, एक्यूपंक्चर भी है। अब इन माध्यमों से भी इस पेन को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी पेन किलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भेज सकते हैं। मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में है, चेक करने पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।